सो गाइस, आज हम करने वाले बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो कंप्लीट। डोंट गेट कंफ्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, इससे पहले वाला जो था हीरो इम्पल्स पे बेस्ड, का मैंने जो काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी हीरो इम्पल्स के लिए, जैसे फ्रंट डिस्क असेंबली थी, रियर डिस्क असेंबली थी, कैलिबर यूनिट था, मास्टर सिलेंडर था, देन क्रिप्स वर देयर, देन काफ़ी सारा सामान था, तो सारी चीज़ें मैंने दी। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जाके चेक कर लीजिए, तो आपको ये वीडियो उसी से रिलेटेड समझ में आएगा। फिर उप्स, मैं कुछ भूल गया। क्या भूल गया? इंट्रोडक्शन देना भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपका हो सबको दोस्तों गाइस रेगुलर टू टॉक अबाउट समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या है वीडियो में देखिए। सो गाइस, आप लोगों को जैसे पता, मेरे पास हीरो इम्पल्स और हीरो इम्पल्स में काफ़ी सारी चीज़ें हम इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वो क्या करने वाले। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी, एक मिनट थोड़ा एंगल सीधा कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो वो है सबसे पहले जो चीज़ हम लोग इंस्टॉल करने वो है रियर डिस्क असेंबली। आप लोगों को पता होगा हीरो इम्पल्स में पीछे ड्रम ब्रेक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, ज़्यादा ब्रेक जल्दी लगता नहीं है। पानी अगर गया बारिश के सीज़न में तो उफ ब्रेक नहीं लगता है। सो आई हैड प्लान कि उसको, वो जो ड्रम असेंबली उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करके विल इंस्टॉल ए न्यू असेंबली, लेकिन डिस्क ब्रेक असेंबली जो पानी में भी बहुत अच्छे से लगेगा और कोई इशू नहीं देगा, ब्रेकिंग अच्छा होगा, पावरफुल हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करना है, उसके लिए क्या करना था उसको, जो लाइक ना आफ्टर मार्केट जो रियर हब होते हैं सी आर एफ 250 150 ऐसे के, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव, दैट इज कॉस्ट में समथिंग अराउंड टू कॉस्ट में समथिंग अराउंड 11 to 12,000 रुपीज़। सो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सोचा वोचा, उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अपना जो हीरो इम्पल्स का जो स्टॉक जो कंपनी से लगा हुआ हब आता है उसी को यूटिलाइज करते हैं और उसी में कुछ आर एंड डी करते ताकि आई विल बी एबल टू सेव सम मनी। नॉट पॉसिबल ना कि 10,000 12,000 का यूनिट लेके आया। सो उसको मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने क्या किया, पहले अपना जो व्हील असेंबली तो उसको खोल दिया है थोड़ा टाइम कंज्यूम करने के लिए, ऑलरेडी खोल दिया, स्पोक्स निकाल दिया, टायर्स निकाल दिया, रिम्स अलग कर दिए, हब अलग कर दिया। वो हब मेरे पास है, वो हब कुछ ऐसे ही दिखता है, अगर आप लोग इम्पल्स तो पता होगा ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे आपका स्प्रॉकेट किट असेंबली इंस्टॉल होता है रियर वाला, और यहाँ पे आपका ड्रम प्लेट बैठता है, यहाँ पे लाइनर्स वगैरह शूज़ वगैरह बैठते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी गोइंग टू नाउ एलिमिनेट द एंटायर पोर्शन, ब्रेक वाला निकाल देंगे। यहाँ पे ये होलो थिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो उसमें हम लोग कुछ लाइक ना एक बार या कुछ एल्युमिनियम बार लेके उसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ताकि बेस बन जाए जिसके ऊपर हमारा डिस्क प्लेट बेस हो, राइट। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे रखता हूँ और जो जो चीज़ें हैं मैं आपको एकदम विस्तार से एकदम डिटेल में बताता हूँ, ताकि आप लोगों को भी एकदम ईजी हो जाए लाइक नो फ्यूचर में अगर आप लोग प्लान कर रहे हो हीरो इम्पल्स में अगर डालने का है, डिस्क असेंबली डालने का ओफ वो करने के लिए, सो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। सो दिस वीडियो गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट गाइस। सो वन सेक। सो गाइस, ये है हब असेंबली, जैसे मैं आपको बताया अभी फ़िलहाल, देख लीजिए गौर से, ये है वो। अब इसको हम लोग करने वाले हैं बेस बनाने वाले हैं, राइट। सो बेस बनाने के हम लोग लगेगा कुछ यहाँ पर डालने के लिए। सो एमएस होता है मेटल, वो काफ़ी हैवी हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम तो ऐसा सॉफ्ट मटेरियल होता है, हल्का होता है। अब ये तो मैंने बार लेकर आया, सॉलिड बार आपको दिखाई देता होगा। इसका जो डायमीटर दैट इज समथिंग अराउंड 5 इंच समथिंग है, और इसका जो थिकनेस है दैट इज 2 इंच। तुम क्या करने वाले उसको, बेसिकली हम लोग इसका जो डायमीटर है पहले वॉर्निंग साइज़ निकालेंगे, जो साइज़ है ना ये जो साइज़ दिख रहा है आपको, जो डायमीटर है इसका, डायमीटर का साइज़ निकालेंगे, इसको यहाँ पर टर्न करेंगे, टर्न के बजा के यहाँ तक डाउन करके इसको यहाँ पे बेस को फिट कर देंगे। यहाँ पे फिट करने के बाद, फिट करने के बाद अपने पास हमको करना है ये डिस्क असेंबली, जिसे आपको पता होगा मैंने ये बाहर से इंपोर्ट करवाया था। ये तो अपना जो पल्सर का जो कपलिंग होता है और डिस्क असेंबली का, डिस्क प्लेट का जो कपलिंग होता है वही यूटिलाइज हुआ, उसमें प्रॉपरली बैठ गया। अब सो लगी कि वो बैठ गया, उसको कुछ आर एंड डी करना नहीं पड़ता, थोड़ा साइड में घसना पड़ा, बट होल्स वगैरह सारे मैच थे एकदम प्रॉपर, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो उसको वही करना है, हमको यहाँ से इसको टर्न करना है, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इसको टर्न करेंगे, ये साइज का इंस्टॉल करेंगे, यहाँ तक उसको बेस रखना है, उसके बाद उसको अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे होल मारने हैं, तो 1 2 3 4 ग्रैप स्क्रू के होल्स होते हैं, ग्रैप स्क्रू डाल के यहाँ पे इसको प्रेस करके यहाँ पे लॉक करना, फिर टर्न को बोले ऊपर लगा के फिर इसको पाइन टर्न कर ले। उसके बाद जब ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा तो ये जो प्लेट है तो यहाँ पे ऐसे बैठ जाएंगे इसके ऊपर, राइट। अगर आप लोग देख पा रहे हो ये, तो इट विल लुक समथिंग लाइक ऐसे ही कुछ दिख रहा है, पर इसकी थोड़ी सी हाइट कम दिख रही है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गैप रखेंगे, ताकि गैप यहाँ पे जो कैलिपर बैठेगा आपका ना, वो कैलिपर के लिए यहाँ पे टच नहीं हो स्पोक्स में और ड्रम्स में, राइट। तो
इसको थोड़ा सा हाई टेम्पो रखना है, ये जो कंपेयर, ये जो बेस ये है इसका जो फेस है, ये फेस थोड़ा सा 4 mm ऊपर रखना है हमको, ताकि ये हाइट पर है तो यहाँ पे गैप हो जाए, यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाए और ताकि हमारा कैलिबर एकदम इजीली बैठ जाए। उसके बाद फिर हमको फिर दूसरा भी चीज़ करना है। इतना ये चीज़ हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ करेंगे हम इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन यहाँ पे वो देख लेंगे। तो अभी एक मतलब काम, आप लोग को ये सारा अरेंजमेंट टाम जब समझ में आ गया होगा इजीली। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए पूछ सकते हैं बिंदास एकदम, और आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। जितना होता उतना हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप लोग तो वीडियो बना रहे, इतनी मेहनत कर रहे, सो फल भी मिलेगा, देखते हैं। सो चलते हैं इसको टर्न के पास लेके, इसको टर्न करते हैं और सारा काम वही करने में, क्योंकि उसके लिए स्पेशल मशीन लगी, मशीन हमारे पास है नहीं। सो दिमाग हमारा काम वो करेगा, उसके बाद करना देखते क्या है, और चलते वहाँ पे और टर्न के पास वहीं पे शूट करते हैं, देखते आगे क्या, ताकि उसमें भी आपको ईजी हो जाए समझने में, चीज़ें आसान हो जाए समझने में, और ये कोशिश अपनी। तो चलते वहीं पर देखते हैं। The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I? Turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing.